स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो इसको लिखते हैं हम अपना 1 ATM से, और ये आपका इक्वल टू रहता है 1.013 मल्टीप्लाई 10^5 पास्कल। जहाँ पर आपको 1 ATM प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है? इतना प्रेशर दे रखा है। इसका यूज हम बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते टाइम करते हैं, जहाँ पर हमें 1 ATM प्रेशर दे दिया जाता है और उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो उस समय हम अपना यह वैल्यू काम में लेते हैं, 1.013 मल्टीप्लाई 10^5 पास्कल।